आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आजमगढ़ का सांसद हूं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में जात पात के नाम पर मतदान नहीं बल्कि विकास के नाम पर मतदान होगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राम अवतार उपाध्याय ने। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, सर मैं यादव कह दिया आपको, इन्होंने तो आश्वस्त कह दिया कि अब जात पात हटा दीजिए और सीधे हिंदुस्तानी का नाम लगाइए। तो चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यालय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं। लोगों का ये मानना था कि हम डेढ़ साल देखते हैं और जब डेढ़ साल मिला भारतीय जनता पार्टी को और सरकार के साथ जब आजमगढ़ आया तो यहाँ इतना काम हुआ, इतना पैसा आजमगढ़ आया कि लोगों का विचार भी बदल गया कि हम लोगों को भी सरकार के साथ ही रहना है और आजमगढ़ का विकास करना है। कहाँ रह रहे हो, कभी नहीं रहेंगे, तो तीन दिन के लिए आते हैं आजमगढ़ और फिर गायब हो जाएंगे, चुनाव लड़ने आएंगे फिर गायब हो जाएंगे। वो विचार उनका आप नहीं बदल पाएंगे, हम नहीं बदल पाएंगे। पर ये है कि हम लोग जो है यही रहते हैं, जनता के बीच रह के काम करते हैं और इसीलिए जनता का हमको समर्थन भी मिलता है। अभी आपने अपने संबोधन में कहा कि मेरी पहचान दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्म स्टार के रूप में नहीं बल्कि आजमगढ़ के सांसद के रूप में है। और ये मैंने फील किया था, भी होगा जब मैं शूटिंग करने के लिए गया था लंदन, तो वहाँ भी मेरा सम्मान आजमगढ़ के सांसद के रूप में, वहाँ के एम्बेसी में मुझे बुलाया गया और स्वागत किया गया। तो वहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि कोई बहुत बड़े हीरो है, पर जैसे वहाँ एम्बेसी में पता चला कि आजमगढ़ के सांसद आ रहे हैं तो मुझे बुला के सम्मानित किया गया और ये कहा गया कि इन्होंने बहुत कठिन सीट पे अच्छी लड़ाई लड़ करके जीत हासिल किया है। तो निश्चित रूप से जो पहचान आजमगढ़ के सांसद के रूप में मिली है उतनी बड़ी पहचान मिली है। आजमगढ़ में एक पहला सुबह था जेट भी आज भी करते हैं जी, क्योंकि आजमगढ़ में पहले लोग जाते थे तो रूम नहीं मिलता था, आज आप कह रहे हैं कि आजमगढ़ में मेरी पहचान बन गई। ए से जेड तक आजमगढ़ के लिए खुल चुका है और आजमगढ़ जहाँ भी जाता है लोग जो है उसको आराम से अपनाते भी हैं और उसको सराहते भी हैं। और उसका उदाहरण मैं खुद ही हूँ, मैं दुनिया के कहीं भी किसी कोने में चला जाऊँ तो आजमगढ़ सांसद के रूप में मेरा बहुत सम्मान होता है। और अब तो लोग कहने लगे हैं निरहुआ मतलब आजमगढ़, आजमगढ़ मतलब निरहुआ। ये जो हमारे नेता बैठे हैं इनके दम पे करवाते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनके दम पे करवाते हैं। यहाँ स्टार का कोई पावर और वैल्यू नहीं है, यहाँ जो भी ताकत है वो ये है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी दिख रहे हैं, हमारे प्रभारी जी दिख रहे हैं, हमारे प्रेम प्रकाश राय जी दिख रहे हैं, जितने नेता मंत्री हैं ये लोग हमारे पावर, जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये हमारे बूथ अध्यक्ष हमारे पावर है। तो यहाँ स्टार्टअप नहीं, इन्हीं लोगों के दम पे हम यहाँ पे काम करते हैं और सेल्फी उनको नहीं लेना पड़ता, हम खुद ही उनकी सेल्फी लेकर उनको देते हैं। उन लोगों को बदलना मुश्किल, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं बना पाएगी। ये परिवारवादी थे, परिवारवादी हैं और परिवारवादी ही रहेंगे। अगर ये बदले होते तो आजमगढ़ का कोई प्रत्याशी भी होता, वो जीतता चाहे हारता यही रहता, पर ना वो बदले हैं ना वो कभी बदलेंगे। ये एक्चुअल में समाजवादी नहीं परिवारवादी पार्टी। गाजीपुर के हैं तो कम से कम आजमगढ़ में रहते तो हैं, ये तो दिखाई नहीं देते। ये तो तीन दिन के लिए अभी आए थे, फिर चुनाव देखिए सबसे जो कठिन समय होता है एक प्रत्याशी के लिए वो ये, जब चुनाव की घोषणा हो गई, प्रत्याशी की घोषणा हो गई तो वो 24 घंटा जनता के बीच रहेगा। ऐसे समय में जो आदमी नहीं दिख रहा है वो क्या लगता है चुनाव के बाद दिखेगा? ऐसा करना जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को बस यही जनता को हम कहते हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर मोदी सरकार, यदा 400 के पार यदा 400 के पार एक बार फिर मोदी सरकार। तो आपने सुना ये थे हमारे साथ दिनेश लाल निरहुआ हिंदुस्तानी। इन्होंने स्पष्ट सभी सवालों का जवाब बड़े ही मजे हुए नेता के साथ देते हुए कहा कि हमने तो विकास भी किया है, विचार भी बदला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह को बड़ा सम्मान देते हुए उन्होंने कहा है कि हम ही उसके उत्तराधिकारी है, वो भी वो आजमगढ़ के सांसद रहते हुए कहा। राम अवतार उपाध्याय, आजमगढ़।